जी बिल्कुल, रियासत माँ जैसी होती है। ये बहुत सारी हमें किताबों में पढ़ने को तहरीरें मिलती हैं, हमारे लीडर भी इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन मौजूदा दौर में अगर देखा जाए तो बरतानवी रियासत ने बिल्कुल अपने शहरियों के साथ एक माँ जैसा सलूक किया है। मौजूदा दौर में बरतानिया तारीख के मुश्किल तरीन इकनॉमिकली जो है वो बहरान से गुज़र रहा है। इस वक्त बरतानिया की GDP जो मौजूदा माली साल है इस दौरान 10% जो है वो उसमें गिरावट आई। 1709 के बाद यानी 300 साल पहले एक सर्द मौसम की पूरे यूरोप में एक लहर चली थी, जिस दौरान बरतानिया की इकानमी 3 माह तकरीबन बरतानिया में वहाँ उस दौरान जो है वो बरतानिया बिल्कुल बंद रहा, पूरा निज़ाम ज़िंदगी यहाँ पे मुअत्तल हो गया था। उस वक्त बरतानिया की इकानमी 13% मुतासर हुई थी, लेकिन अब इस बार पेंडेमिक के दौरान जबकि तीसरा नेशनल लॉकडाउन है, बरतानिया की इकानमी 10% मुतासर हुई, 10% GDP जो है वो गिरा है। उस वक्त 13% गिरा था, इस वक्त 10% उसमें गिरावट आई है। लेकिन इसके बावजूद बरतानवी हुकूमत ने जो यहाँ पे बेनिफिट हासिल करने वाले लोग थे उनको ना सिर्फ उनके बेनिफिट्स बर वक्त दिए बल्कि उसमें इजाफ़ा भी किया। कल हमने आपको बताया था कि हुकूमत बरतानिया ने यूनिवर्सल क्रेडिट समेत दीगर जो बेनिफिट्स यहाँ पे 5.6 मिलियन लोग हासिल करने वाले हैं उनमें इजाफे का ऐलान किया है। आज हुकूमत बरतानिया ने, इस रियासत ने अपने शहरियों की वेलफेयर के लिए एक और बहुत बड़ा ऐलान किया है। 59 मिलियन पाउंड जो हैं वो उन लोगों के लिए रखे गए हैं जो लोग जिन मुतासर हुए हैं यानी कि सर्द मौसम की वजह से। बरतानिया में हर साल सर्द मौसम से जो लोग गुजरते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, पेंशनर्स होते हैं, बेनिफिट्स के ऊपर होते हैं, उनको पेमेंट, कोल्ड वेदर पेमेंट के नाम से इसको जाना जाता है, बरतानिया भर में लोग जानते हैं, उनको अदायगी की जाती है। इस साल भी जो है वो सितंबर से लेके मार्च तक जो है वो पेमेंट्स यानी कि 7 पेमेंट्स लोगों को की जाएंगी। 25 पाउंड पर वीक रखा गया है, 175 पाउंड जो हैं वो लोगों को दिए जाएंगे जिन लोगों ने ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल किया है मौसम सर्द होने की वजह से। ये किरदार है यहाँ बरतानिया की रियासत का कि जो लोग सर्द मौसम की वजह से घरों में रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी लोगों ने इस्तेमाल की है, हीटिंग का ज़्यादा इस्तेमाल किया है, गैस का ज़्यादा इस्तेमाल किया है, अब हुकूमत उनको जो लोग ख़ासतौर पर बेनिफिट्स के ऊपर हैं, जो लोग स्टेट पेंशनर्स हैं, किसी भी किस्म का वो बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं उनको ये 25 पाउंड पर वीक 7 हफ्तों के लिए यानी 31 मार्च तक ये अदायगी होगी और यकमुश्त अदायगी भी बाज़ लोगों को मिली 175 पाउंड। तो ये आम लोग भी मुतालबा कर रहे हैं कि जो लोग बेनिफिट के ऊपर थे उनके अलावा भी हुकूमत को ये बेनिफिट देना चाहिए, वेदर कोल्ड जो कोल्ड वेदर पेमेंट है, क्योंकि लोग पेंडेमिक में होने वाले लॉकडाउन की वजह से घरों में रहे हैं, बिजनेसेस मुतासर हुए हैं, जहां हुकूमत बाकी लोगों को जो बेनिफिट्स के ऊपर हैं ये पेमेंट अदा कर रही है। तो बरतानिया के बाकी अवाम ने भी अपनी रियासत से ये मुतालबा किया है कि कोल्ड वेदर पेमेंट जो है वो उनको भी अदा की जाए। जी